डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। हिंदुस्तान की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज, क्या आप जानते हैं अपने तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कायदे हैं जिनका पालन हम और आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं, गृह मंत्रालय के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक क्या हैं वो नियम कायदे। तो सजावट के लिए आप तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, साथ ही इसका कोई दूसरा तरीका भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तिरंगे को किसी गाड़ी, ट्रेन और नाव को ढकने के काम में नहीं लाया जा सकता है। तिरंगे को किसी पर्दे या घर के किसी अन्य काम में इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखना या प्रिंट करना वर्जित है। इसे किसी भी तरह के विज्ञापन में इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। आप अपनी कॉपी, किताब या किसी भी वस्तु में तिरंगे का इस्तेमाल कवर की तरह नहीं कर सकते हैं। तिरंगा फहराने की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान खास तौर से वहां मौजूद सभी लोगों को तिरंगे की तरफ मुंह करके सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा और जो भी यूनिफॉर्म में होंगे उन्हें तिरंगे को सैल्यूट करना अनिवार्य है। तिरंगा कभी भी जमीन नहीं छूना चाहिए। तिरंगे पर कुछ भी लिखना सख्त मना है। तिरंगे का अपमान किसी भी हालत में या किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। तिरंगे का कोई भी हिस्सा फटा नहीं रहना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज यानी अपने तिरंगे से ऊपर या उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जाए। ना ही फूल, माला, प्रतीक या दूसरी कोई वस्तु उसके ध्वज दंड के ऊपर रखी जाए। जहां तक तिरंगे को खुले में फहराने का सवाल है तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराए जाना चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को राज्य के जवान, केंद्र के जवान, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के पार्थिव शरीर को लपेटने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये थी गृह मंत्रालय के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रीय ध्वज के लिए जारी की गई आचार संहिता। तिरंगे को हाथ में लेने से पहले इसका मान रखना, नियम कायदों का पालन करना हम और आप सभी के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है और साथ ही कर्तव्य भी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।